नमस्कार, मैं कशिश। आइए जानते हैं एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिग बॉस 16 से प्रियंका चहर चौधरी की हार उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका लेकर आई है, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। उसे विनर की रेस से बाहर कर देने पर फैंस ने मेकर पर नाराजगी जाहिर की। वहीं शो से बाहर आने के बाद प्रियंका चहर चौधरी ने कई मीडिया इंटरव्यू दिए हैं। उन्होंने हार और बिग बॉस मेकर्स को लेकर अपनी बात रखी है। प्रियंका ने बिग बॉस से बाहर आने के बाद मीडिया में कई इंटरव्यू दिए। बॉलीवुड स्पाई द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने शो से बाहर आने के बाद पापराजी के कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें हारने का गम नहीं है। एमसी स्टैन अच्छा लड़का है, उसकी अलग ही पर्सनालिटी है और बिग बॉस पर्सनालिटी का गेम है। उसमें आप गेम खेलो, चाहे टास्क अच्छे से ना करो, शतरंज की बाजी खेलो, वो मैटर नहीं करता। कहीं ना कहीं एमसी स्टैन ने दुनिया से कनेक्शन बना लिया होगा, तभी बिग बॉस की ट्रॉफी आज उसके हाथ में है। बिग बॉस पर शुरू से बायस होने का आरोप लगता रहा। जब इस बारे में प्रियंका से पूछा गया तो उन्होंने कहा, बिग बॉस सबसे ज्यादा फेयर है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिग बॉस बायस थे। मंडली की तरफ से वैसे भी लोग ज्यादा थे, कई सेलेब से जो प्रियंका के सपोर्ट में शुरू से बात कर रहे थे। इसमें देवोलीना भट्टाचार्य जी का नाम भी शामिल है। उन्होंने कई दिनों पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रियंका ही जीतेंगी। अब रिजल्ट के बाद उन्होंने मेकर्स पर तंज कसा है। देवोलीना ने ट्वीट किया, खेलते खेलते खेल गए बिग बॉस, जयराम जी की। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।